गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन चल रहा है हमारा। आज हम मिक्स्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। मिक्स्ड प्रॉब्लम्स में आपको प्लस और माइनस दोनों के सम्स एक साथ करने के लिए दिए जाते हैं। इफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर गिवन टुगेदर, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमको एक साथ दिया गया है, वी ऑलवेज एड फर्स्ट, तो हमेशा ही हमको एड पहले करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद हमको सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन एक कंडीशन इस तरह से दी जाती है कि ब्रैकेट में एक सम करने को दिया होता है और उसके बाद भी एक डिजिट दी गई होती है। तो इफ देयर आर नंबर्स एनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट्स, अगर वहां पर नंबर ब्रैकेट में क्लोज्ड हैं, वी सॉल्व देम फर्स्ट, तो हमें पहले ब्रैकेट वाला सम सॉल्व करना है, उसके बाद उसके बाहर का। एक्सरसाइज 3E का ए सम मैं आपको करके बता रही हूं। सबसे पहले लिखा है 3586 प्लस 2451 माइनस 1280। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमको मिक्स्ड सम्स दिए गए होते हैं तो उसमें या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, जो भी दिया गया है सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नोट करते हैं, 3586 प्लस 2451 माइनस 1280। तो इसमें हमें पहले प्लस दे रखा है और बाद में माइनस दे रखा है। अगर पहले माइनस दे रखा होता और बाद में प्लस दे रखा होता, तब भी हम पहले प्लस वाले सम को सॉल्व करते और उसके बाद माइनस वाले को सॉल्व करते। तो सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3586 में 2451 प्लस करेंगे। यहाँ लिखते हैं 3586 2451, सिंबल लगाया प्लस का, और इसको अब हम प्लस करते हैं। 6 प्लस 1 7, 8 और 5, 8 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 13, 3 नीचे लिखा और 1 हमारा कैरी बना, 5 प्लस 1 6 और 6 प्लस 4 10, 10 का 0 यहाँ पर और 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6। जब हमने ये वाले दोनों नंबर ऐड किए तो हमको आंसर मिला 6037। अब इस 6037 में से हम माइनस करेंगे 1280। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6037, इसमें से हमको माइनस करना है 1280। माइनस का सिंबल लगाया, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता और यहां पर हमारे पास है 0, तो 0 से कैरी नहीं मिल सकती, इसलिए इस 6 से 1 हम यहां कैरी करेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारा 10 और इस 6 के प्लेस पर हमारे पास रहेगा 5। अब इस 10 से 1 हम यहां पर कैरी करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारे पास 13 और इस 10 के प्लेस पर हमारे पास बचेगा 9। अब हम माइनस करते हैं, 13 में से 8 माइनस करना है, 13 में से 8 माइनस किया 5 आया, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा और यहां 5 में से 1 माइनस किया 4 आया, आंसर मिला हमको 4757। इसी तरह से एक सम में ब्रैकेट वाला आपको सॉल्व करके बता रही हूं। यहां पर सम नंबर है हमारा डी, और क्या कर रहा है, ब्रैकेट में हमको दे रखा है 3451 प्लस 1020 और इसमें से माइनस करना है हमको 2450।
तो ये कंडीशन भी मैंने आपको यहां पर बताई थी कि अगर कुछ भी हमारे लिए ब्रैकेट में दिया गया है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर का सम। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे टी एच 1000, एच 100, टी 10s और ओ 1s। इसके बाद हम डिजिट नोट करेंगे 3, 4, 5, 1। इसमें हमको प्लस करना है 1, 0, 2, 0। सिंबल लगाएंगे प्लस का और इसको सॉल्व करेंगे। 1 में 0 प्लस किया 1, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 4 में 0 प्लस किया 4 और 3 में 1 प्लस किया 4। ब्रैकेट का सम सॉल्व करने के बाद हमको आंसर मिला 4471। अब इस 4471 में से हमको माइनस करना है 2450। तो यहां फिर से हम एक बार 1000, 100, 10s और 1s। इसके बाद डिजिट लिखते हैं, इसमें से हमको ये माइनस करना है। तो पहले ये लिखेंगे 4471 और माइनस करना है 2450। सिंबल लगाएंगे माइनस का। अब सॉल्व करते हैं इसको। 1 में से 0 माइनस किया 1, 7 में से 5 हम माइनस करेंगे 2 मिलेगा और 4 में से 4 माइनस किया 0, 4 में से 2 माइनस किया 2। तो इस सम को सॉल्व करने के बाद, मींस इन दोनों को प्लस करने के बाद और प्लस करने के बाद जो आंसर मिला उसमें से ये माइनस करने के बाद हमको आंसर मिलेगा 2021। अब पूरी एक्सरसाइज के मैंने दो सम्स आपको करके बता दिए हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बी, सी और ई करना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़कर मैं आपको बता दे रही हूँ। एड 2000 टू द डिफरेंस ऑफ 4300। आपको ऐड करना है 2000 टू द डिफरेंस ऑफ 4300। तो इसको एक बार लिखकर भी बता देती हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, यहां पर लिखा है ऐड टू 2000 टू द डिफरेंस ऑफ 4300, यानी 2000 प्लस का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 4000 माइनस 3000। अब इसका ये मतलब हुआ कि आपको 2000 प्लस करना है, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें। यहां पर दो डिजिट ब्रैकेट में है तो पहले हम ब्रैकेट वाला सम सॉल्व करेंगे। उस सम को सॉल्व करने के बाद, मींस 4000 में से 3000 माइनस करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा उसमें से आप 2000 प्लस करेंगे। ये कंडीशन थी कि आपको अगर मिक्स्ड सम दिए गए हैं तो आपको एडिशन पहले करना है और सब्ट्रैक्शन बाद में करना है। लेकिन एक कंडीशन ये भी थी कि अगर ब्रैकेट में सम दे रखा है फिर वो माइनस का है या प्लस का है, तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे उसके बाद ब्रैकेट के बाहर का। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लेट्स सम नंबर 3। सब्ट्रैक्ट 2000 फ्रॉम द सम ऑफ 6000 एंड 1750। इसको भी मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। सम नंबर आपका 3, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2000 फ्रॉम द सम ऑफ 6000 एंड 1750। आपको सम नोट करना है, सब 6000 प्लस 1750 माइनस 2000। इसमें आपको सिंपल
पहले एडिशन करना है, एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से 2000 माइनस करना है. यू ऑल हैव डन दिस इन योर कॉपी.